परिवार पति संसार सब छोड़ के कहीं उड़ जाऊं। पर नील जाब, पति का पिंजरा तोड़ के जाएगी कहाँ? नमस्कार आदाब, मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। घर की चार दीवारी के अंदर के दुख दर्द जब घर की दहलीज लांघते हैं तो जुर्म कई बार घर के अंदर ही दस्तक दे रहा होता है। इस केस में भी ऐसे ही जुर्मों ने दस्तक दी थी। एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था और 3 महीने गुजरने के बाद भी मुजरिम का कोई सुराग नहीं मिला था। अब मेरी पोस्टिंग इस थाने में हुई जहां पर यह केस दर्ज था। अब मैं इस केस की बंद पड़ी फाइलों को खोलने वाला था क्योंकि इस केस का कनेक्शन कई दूसरे केसेस से भी था जो एक एक करके मेरे सामने आने वाले थे। अरे वाह फंटुश, इतने बड़े घर में तुम अकेले रहते हो? अब तक तो अकेला ही था, तुम आ गई हो तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब आज गुलाब लाल नहीं गुलाबी देना पड़ेगा। जब तूने मिलने के लिए हाँ की ना उसी वक्त मैं सारे रंग के ले आया, सोचा आज अपना रिश्ता जहां तक पहुंचेगा उस रंग का तुम्हें दे दूंगा। फिर तो तुम्हारे सारे फूल आज सूखने वाले। मैं अपने फूल सूखने नहीं देता। अगर इस्तेमाल में ना आए तो मैं इनकी पंखुड़ियां निकाल कर इस डब्बे में डाल देता हूँ। ये देखो। छी, ये क्या है? मैं अपने फूलों की पंखुड़ियां है ना मिश्री में डुबो कर रख देता हूँ और वो बन जाते हैं गुलकंद। मैं गुलकंद नहीं खाती। ऐसे कैसे नहीं खाती? देखो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ आप टेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है, खाओ। अरे थोड़ा सा तो खाओ। विम्मी बेटा स्कूल के लिए देर हो रही, ला मैं बाल बना देता हूँ। पापा आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज वुमेन्स डे, मुझे मम्मा के साथ रहना है। पर विम्मी तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, तो आज आप स्कूल चले जाओ, जब आप शाम को आओगे ना तब हम पार्टी करेंगे और मैं ना आपके लिए प्रिंसेस वाली ड्रेस भी ला के रखूंगी। हाँ ठीक है डन, और पापा आज आप हाफ डे ले लेना। ठीक है बाबा। मम्मा पार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा ना। हाँ अरे बस आ गई विम्मी। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मम्मा। चलो बाय बाय। थैंक्स मीनाक्षी, आज अगर तुम नहीं होती तो विम्मी अपनी मम्मी की यादों से कभी बाहर ही नहीं आ पाती। विम्मी तो अपनी माँ की यादों से बाहर आ गई है, पर क्या आप सुरेखा की यादों से बाहर आ पाए? मम्मी तो मुझे माँ भी मानने लगी है, पर क्या आप हम शादी कर सकते हैं? मुझे पता नहीं था कि वो कमीना मेरे साथ ऐसा करेगा। एतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो और एम्बुलेंस ड्यूटी पर क्यों नहीं गई अब तक? वो मैं बस अभी जा ही रही थी सर। तो क्यों मेरे पीछे आ रहा है?
तो आज टीचर ने क्या पढ़ाया स्कूल में? आज स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का ऐसे पढ़ाया। अच्छा तो बताओ फिर क्या मतलब होता है आजादी का? आजादी का मतलब आजादी का मतलब सबको बराबर समझना, जियो और जीने दो। पापा, मम्मी ने मेरे लिए परी वाला ड्रेस लाया। अरे वो तो मम्मी का सरप्राइज है। आप प्रबुल शेट। हाँ जीवन भाई, केम छो? केतकी बेन, मीनाक्षी आपके साथ है क्या? नहीं जीवन भाई, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। क्या हुआ? ये मीनाक्षी के साथ मेरी बीवी। कब से मिसिंग है? दरअसल मीनाक्षी मेरे साथ नहीं रहती साहब। मतलब आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहती तो किसके साथ रहती है? वो जीवन के साथ रहती है। कौन जीवन? वो जीवन लवर है उसका साहब। जानता हूँ साहब, ये सब आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन उसने जीवन के लिए मुझे छोड़ दिया। जीवन भड़का रहा है तुम्हें मीनाक्षी, उसकी बातों में आके बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। गलती ना, मैंने तुमसे शादी करके की है और वैसे तुम्हारे साथ ना मेरा कोई भविष्य नहीं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आपकी बीवी आपको छोड़कर चलेगी, उसके क्या नाम बताया? जीवन। जीवन के पास चलेगी, जिसको गायब करने का मकसद तो आपका भी हो सकता है, आपने कुछ किया? नहीं साहब, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मुझे पक्का यकीन है जीवन ने गायब किया मीनाक्षी। साहब आप प्लीज पता कीजिए ना मीनाक्षी के बारे में। ठीक है, मीनाक्षी और जीवन दोनों के फोन नंबर्स और जीवन का एड्रेस दीजिए, हम देखते हैं। ठीक है। बेटा बेटा, मम्मा आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। पर कब आ जाएंगी बेटा? सरला बेन, इसको लेके जाओ। सर आप पिनाकिन आया था हमारे पास, उसका कहना है कि उसकी बीवी मीनाक्षी तुम्हारे साथ रहती है और आप तुमने उसको गायब कर दिया। मैंने? अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं एक समाज सेवक हूं और आधा उधना जानता है कि पिनाकिन मीनाक्षी के साथ कैसे बर्ताव करता था। पर कोई 6 महीने पहले मीनाक्षी हमारे एनजीओ में आई थी। मीनाक्षी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। पिनाकिन न सिर्फ उसको मारता था बल्कि उसके दूसरी औरतों के साथ संबंध भी थे। मीनाक्षी ने यह सब मुझे बताया था। पर मीनाक्षी के पेरेंट्स भी गुजर चुके थे इसलिए मैंने उसे आसरा दिया, लेकिन पिनाकिन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वाह सुपर, खुद के बच्चे पैदा नहीं किए दूसरों के पालने लगे तू। पिनाकी तुम जाओ यहाँ से, तुझे साथ लेके जाऊंगा, चल चल। बीबी हमारी, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। अब तो मुझे पक्का लग रहा है सर कि उसने बदला लेने के लिए पहले मीनाक्षी को गायब किया और अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। पर ये तो सच है ना कि मीनाक्षी अभी भी कानूनी तौर पर पिनाकिन की बीवी, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? और जब हम यहाँ आए तो तुम्हारी बेटी मम्मी मम्मी बोली थी, किसकी बात कर रही थी? मीनाक्षी की? हाँ सर, वो मेरी बीवी सुरेखा की मौत के बाद बिम्मी काफ़ी अकेली पड़ गई थी और मीनाक्षी के हमारे घर में रहने के दौरान वो उसके काफ़ी क्लोज आ गई थी। किसके, बिम्मी के या तुम्हारे भी?
नहीं सर, मेरा और मीनाक्षी का रिश्ता दोस्ती का है। मीनाक्षी को आखिरी बार कब देखा था? उसकी एक फ्रेंड ने बताया कि वो हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? वो मीनाक्षी को सर बैक पेन की प्रॉब्लम थी और मेदनी सिटी से उसका इलाज चल रहा था। मैं गया था सर हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ उन लोगों ने बताया कि वो वहाँ पहुँची ही नहीं थी। मीनाक्षी लोढ़िया? हाँ हाँ, मीनाक्षी लोढ़िया। उसे तो बैकएक है और मैं ही उसे ट्रीट कर रहा हूं, लेकिन आज वो वाकई में यहां नहीं आई। अगर मीनाक्षी वाकई हॉस्पिटल में आई थी तो जाहिर सी बात है तो उसके साथ जो भी हुआ होगा घर से लेके इस हॉस्पिटल के बीच के रास्ते में कहीं कुछ हुआ होगा। जय सर, आसपास पता करो, अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलो। यस सर। एक मिनट सर, इस मीनाक्षी का मिसिंग केस मुझे एक दूसरे केस की याद दिला रहा है। कौन सा केस? सर, मीनाक्षी की तरह नीलजा का मिसिंग केस भी उसके पति हरि ने फाइल किया था। ये उसका फोटो, और तब हरि ने भी यही बोला था कि नीलजा आखिरी बार मेडनी सिटी हॉस्पिटल गई थी। सर, नीलजा को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर नरसिम्हा ही उसका इलाज कर रहे थे, और जब हमने डॉक्टर नरसिम्हा से उसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने यही कहा जो उन्होंने अभी मीनाक्षी के लिए बोला। तो डॉक्टर नरसिम्हा के खिलाफ उस वक्त कुछ मिला था? नहीं सर, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कंप्लेन लिखवाने के अगले ही दिन नीलजा का पति हरि हमारे पास वापस आया। साहब, आज मैंने घर की अलमारी खोली तो मालूम चला कि नीलजा के सारे गहने और 25,000 रुपए गायब थे। तो तुम्हें लग रहा है नीलजा के साथ किसी ने घर से पैसे और गहने भी गायब किए? साहब, मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन नीलजा का शायद किसी से पक्का चक्कर चल रहा था। वो तो मेरे पास आने से परहेज करती थी। सर, हमने नीलजा के अफेयर के एंगल को भी खंगाला, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। पर सर, नीलजा गृह उद्योग भवन में काम करती थी और पता चला है कि वहाँ का मैनेजर बड़ा रंगीन मिजाज का, फंटुस नाम है। लेकिन सर, फंटुस के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला, लेकिन पता चला कि नीलजा का पति हरि भी उसे बहुत पीटा करता था। हमने हरि से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन नीलजा की सहेली केतकी ने बताया कि नीलजा ने अपने पति से तंग आकर उससे अलग होने का फैसला कर लिया। पूछो मत केतकी बहन, जी में आता है घर बार पति संसार सब छोड़ के कहीं उड़ जाऊं। सर, काफी छानबीन के बाद भी नीलजा की कहीं से कोई लीड नहीं मिली और तब से केस अनसॉल्व। मीनाक्षी और नीलजा के केस में सिर्फ ही हॉस्पिटल कॉमन नहीं, मीनाक्षी की तरह नीलजा भी अपने पति की मारपीट का शिकार थी। क्या नीलजा ने उस वक्त जीवन की अंजी की मदद ली? नहीं सर, ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया। पर दोनों केसेस में काफी सिमिलरिटीज है। अब मीनाक्षी की तरह लीलिजा मिसिंग केस भी रीइन्वेस्टिगेट होगा। जीवन पिनाकिन और डॉक्टर नरसिम्हा, तीनों की कुंडली निकालो। ओके सर। जिग्ना, अब सुन, वो सेठ से तेरी तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, मान गया हो? तू मेरी तनख्वाह क्यों बढ़वा रहा है इसका अंदाजा है मुझे। भला चाहता हूँ मैं तेरा? इतनी छोटी उम्र में तेरा पति मर गया, हमदर्द हूँ मैं तेरा। हमदर्द बनके तूने कितनों को दर्द दिए हैं सब पता है मुझे। ए, ए, रुक रुक। हेलो। हाँ बंसीलाल, दारू पिएगा? 4 बोतल मंगवाई है बॉर्डर पार से। हेलो, आज फंटुश का गेम खत्म करना है मुझे, तुम आ रहे हो ना? रोज ऐसे ही मजा दूंगा, दारू के अलावा तेरा और जुगाड़ करूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम?
मेरा नाम लेना। सर, मीनाक्षी का फोन मेडिनी सिटी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पे ही बंद हुआ था और तब वहां पर पिनाकिन का फोन भी एक्टिव था और पूछताछ में पता चला है कि पिनाकिन कल उसी हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर मीनाक्षी के साथ देखा गया था। मीनाक्षी, तो क्यों मेरे पीछे आ रहा है? अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा मीनाक्षी। तू भागने नहीं देगा? सर, उन दोनों को वहां पर एक दुकानदार ने देखा था और मैंने उस दुकानदार से पूछताछ की। सर, नाकिन घर पर नहीं है लेकिन वह प्रफुल के लिए काम करता है, वो वहीं पर होगा। प्रफुल सर, ये 15,000 का हिसाब ही नहीं मिल रहा है और वो संजय आजकल आजकल करके टाल देता है। इस संजय को बोल मुझसे आके मिले। ठीक है सर। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। इसलिए तो अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था क्योंकि तो खुद उसे गायब करने में शामिल है। नहीं साहब, मानता हूँ कि कल मीनाक्षी को मेडिन सिटी के पास में मिला था। मिला था, और तेरा झगड़ा भी हुआ था मीनाक्षी के साथ। साहब, हमारे झगड़े की वजह है जीवन। मैं तो उसको रोजाना मिलके घर वापस लाने के लिए मनाता रहता हूँ और कल भी मैं यही चाहता था। मीनाक्षी रुको, मीनाक्षी तू जा रहा है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? साहब, मैंने मीनाक्षी को मेडिन सिटी जाते हुए देखा था, फिर मैंने सोचा कि उसका गुस्सा शांत होने के बाद मैं उसे दोबारा मिलूंगा। मीनाक्षी कभी कभी विमी को लेने स्कूल जाती थी, मैं वहां पर भी गया, देखा कि जीवन विमी को लेकर जा रहा है, फिर मैं अपने काम पे चला गया साहब। लेकिन जब पता चला कि मीनाक्षी गायब हो गई तो मैं सीधा आपके पास चला आया। पर मेडनी सिटी वाले बोल रहे हैं कि मीनाक्षी तो वहां गई नहीं, क्या कहानी बना रहा है? कहानी नहीं बना रहा हूं साहब, मैंने खुद मीनाक्षी को हितल के साथ देखा था जो वहां पे नर्स का काम करती है। तो मेडनी सिटी की नर्सेस का नाम भी जानता है? पूरा उदा जानता है साहब हितल को, मेडिन सिटी के लिए मोहल्ला क्लिनिक चलाती हूँ। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, आप चाहे तो हितल से पूछ सकते हो। सर, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा है, मीनाक्षी यहां नहीं आई थी। डॉक्टर साहब, यही झूठ आपने 3 महीने पहले बोला था। निलीजा याद है आपको? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। कोई गलत फहमी नहीं, मीनाक्षी को आखिरी बार आपकी नर्स हेतल के साथ देखा गया था। आप झूठ कह रहे हैं, सच पता चल जाएगा, बुलाए हेतल को। पर आज तो वो ड्यूटी पर नहीं आई। नंबर हेतल का। सर, नंबर बंद है हेतल का, मैं स्टाफ से पूछता हूँ। सर, हेतल कल एम्बुलेंस ड्यूटी पे हमारे साथ ही थी और शाम को वहीं से वो अपने घर चली गई। देखो, आज पेशेंट्स कम है और मुझे कुछ अर्जेंट काम है तो मैंने गलती हूँ, आप लोग संभाल लेंगे। अच्छा, ये हेतल रहती कहाँ है? हाँ सर, हेतल को यहाँ काफ़ी लोग जानते थे क्योंकि वो मेडनी सिटी के लिए कई गरीब पेशेंट्स की मदद करती थी। पर मीनाक्षी के साथ। हाँ पटेल, बोलो। सर, हेतल के घर से नीलिजा की मेडिकल रिपोर्ट मिली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक नीलिजा HIV पॉजिटिव है। HIV? पर डॉक्टर नरसिम्हा ने तो कहा था कि उसे अस्थमा है। सर, इस मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर नरसिम्हा का ही साइन है। सर, निलिजा को अस्थमा ही था, HIV नहीं, ये रिपोर्ट गलत है। तो ये रिपोर्ट किसने बनाई और ये साइन किसके? हेतल को जानबूझ के एम्बुलेंस की ड्यूटी पे लगाया गया ताकि वो मजबूर पेशेंट्स को यहाँ लाए, उसके बाद तुम्हें फंसाओ, एंटो और गायब कर दो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हेतल ही सब कर रही हो क्योंकि पेशेंट्स को फाइनल रिपोर्ट वही देती थी। और हाँ सर, ये जो सिग्नेचर है ना, ये मेरा नहीं है, आप चाहे तो किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं। मम्मी बेटा, लो खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मम्मा चाहिए। बेटा खाना खा लो, मम्मा आ जाएंगी। जब तक मम्मा नहीं आएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी, पहले मम्मा गई तो
आपने बोला तो वो आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं आई। दूसरे पापा चले गए तो आप मुझे डांट रहे हो। पापा मुझे छोड़ के चले गए। सब पता है मेरी पीठ पीछे क्या करती है तू। उस फंटूस ने सब बता दिया है। उसने दारू पिला दी तो उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। कल को लालच में आके बोलोगे जा जाके उसके साथ सो जा। बदतमीज। सर मीनाक्षी से जुड़ा तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हेतल के घर पे नहीं मिला, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट निलेजा की हेतल के घर से मिली उससे लगता है कि निलेजा को विश्वास हो गया था कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, और शायद इसलिए वो अपने पति हरि के करीब नहीं जाती थी जैसे कि हरि ने बताया। अगर ऐसा तो फिर हरि के पास निलेजा को गायब करने का स्ट्रांग मोटिव था। बुलाओ सारी को और निलेजा के करीबी लोगों से पता करो। हो सकता है निलेजा ने यह बात किसी से शेयर की, लेकिन निलेजा को बदनामी से बचाने के लिए किसी ने यह बात हमें बताई नहीं। ओके सर। नहीं साहब, निलेजा ने मुझे नहीं बताया था कि उसको एचआईवी हुआ था। हो सकता बताया और तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए निलेजा को गायब कर दिया। नहीं साहब, कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। और जिगना गृह उद्योग में काम करती थी और वहां काम करने वाली केतकी मीनाक्षी की दोस्त थी, पर जिगना के गायब होने का राज इस केस को एक नए भूलभुलैया में उलझाने वाला था। साहब, जिगना तो कल यहां से टाइम से चली गई थी। शायद उसका ससुर झूठ बोल रहा होगा। वो झूठ क्यों बोलेगा? एक नंबर का दारूबाज है वो सर, जिगना ने बताया था मुझे। अरे वो तो पैसों के लिए फंटूश के साथ जिगना को। फंटूश के साथ क्या? फंटूश की बुरी नजर थी जिगना पे। अरे जिगना तू लेट हो गई। हाँ, थोड़ा जरूरी काम आ गया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो गाड़ी वाला तुझे यहाँ तक छोड़ने चला है? सबको अपने जैसे समझ रखा है क्या? मेरे जैसा तो अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख। मेरे गुलकंद को किसी दूसरे का इंतजार। तू जो कर रही है एकदम सही कर रही है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। वो उस पर हाथ साफ करना चाहता था, इसलिए वो पैसे भी खिला रहा था उसके ससुर को। पंडुशा का आज ड्यूटी पर नहीं आया। क्या फंटोश चले? चल साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं जानता नहीं जिगना कहाँ है। उसका तो किसी और के साथ चक्कर था साहब। झूठ मत बोल। झूठ काहे को बोलूंगा साहब, आप उसके ससुर से पूछ लो। वो तो वही बोलेगा ना जो तूने उसे पढ़ाया होगा। साहब, मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि उस फंटूश के लालच में अपनी बहू की इज्जत का सौदा कर दूंगा। जिगना को भी यही गलत फहमी हो गई थी। देखो, अगर झूठ बोला तो। नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच तो यह है कि जिगना बहुत बदल गई थी। जरूर कोई था उसकी जिंदगी में जिससे वो मिलने जाती थी। सर, फंटूश और बंसीला दोनों यही बोल रहे हैं कि जिगना का किसी के साथ अफेयर था। हाँ सर। सर, कहीं जिगना के गायब होने का भी नीलिजा और मीनाक्षी से कोई कनेक्शन तो नहीं है? अभी तक हम यही मानकर चल रहे थे कि इन दोनों को गायब करने के पीछे हेतल का हाथ होगा। सर, फंटूस के मोबाइल में हेतल का एक वीडियो मिला है। साहब 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 साहब, मैं मानता हूँ साहब कि मैं हेतल को ब्लैकमेल कर रहा था साहब। मैं गुलगन नहीं खाती। ऐसे कैसे नहीं खाती? देखो कह रहा हूँ ना, हाँ आप टेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है। खाओ। नहीं। अरे थोड़ा सा तो खाओ।
मॉर्निंग इतिल, गरम गरम चाय। फंटुश, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुआ है। हाँ। अरे ये देखो, ये देखो, ये पुल देखो, ये हम दोनों ने मिलके सजाया था। अब हमारा रिश्ता इतना पक्का हो गया कि अब ना तुम्हें गुलाब देने की जरूरत पड़ेगी और ना गुलकंद की नानी। लेकिन ना उसको गायब करने में मेरा हाथ है और ना ही जिगना घुसाओ। तूने सिर्फ इन दोनों को नहीं, नीलिजा और मीनाक्षी को भी गायब किया। बोल कहाँ था? नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, सर जिगना का फोन मेहसाना में एक्टिव हुआ है। जिगना, जिगना कहाँ है तू? बापू अब मैं विधवा नहीं रही, मैंने लगन कर लिया है। लगन कर लिया? कमीनी किसके साथ मुंह काला किया? तेरे चक्कर में कितना बवाल हो गया इधर मालूम है ना? हेलो बापू, बापू आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बैकग्राउंड में इतना शोरगुल है, इतने एम्बियंस में कॉल करना, मुझे लगता है जिगना ये कॉल जरूर हमें गुमराह करने के लिए किया गया। लेकिन सर ये जिगना नहीं है तो क्या इन औरतों के गायब होने के पीछे किसी औरत का हाथ है? और माना फंटुस ने हेतल को ब्लैकमेल किया लेकिन उसने ये नहीं कबूला कि उसने हेतल को मारा, कहीं ये हेतल तो नहीं? नहीं बेटे, ये कॉल हेतल ने नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये कॉल हेतल ने नहीं किया तो फिर ये औरत कौन है? सर अगर ये हेतल नहीं है तो एक औरत है जिस पर मुझे शक है। कौन? केतकी। सर ये केतकी मीनाक्षी नीलिजा और जिगना के काफी करीब है और इन तीनों औरतों के गायब होने के पीछे वो लगातार इनका पर्सनल एंगल जोड़ रही है। केतकी या नीलिजा तुमसे अपना हर दुख दर्द बांटती थी, शायद उसने अपनी बीमारी के बारे में भी तुम्हें कुछ बताया। नहीं सर, लेकिन ये सच है कि वो अपने पति से बहुत तंग आ गई थी, हो सकता है उसके पति ने उसे मारा हो। पर्सनल एंगल लग तो नहीं रहा, ये जरूर कोई बड़ा गेम है। कॉल महसाना से किया गया, पता करो केतकी कहाँ है। ओके सर। सर मैंने जिगना की कॉल डिटेल्स चेक की, जिगना की प्रफुल से लगातार बातें हो रही थी। प्रफुल जिसके यहाँ पिनाकिंग काम करता है? हाँ सर। हेलो मम्मा, अब घर कब आए हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मा आप प्लीज घर आ जाओ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको तंग नहीं करूंगी। कुछ ही बोल क्यों नहीं रही हूँ मम्मा? मम्मा हेलो मम्मा, कुछ बोलो ना। पापा, मम्मा फोन नहीं उठा रही है। जिगना को जानते थे ना? हाँ सर, जिगना मुझसे मिल रही थी, दरअसल वो अपनी जमीन मुझे बेचना चाहती थी और कल ही हमारी डील हुई थी। सर जमीन जिगना के पति के नाम पर थी, पहले उसने उस जमीन को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाया जिसके लिए मैंने उसकी मदद भी की थी। तो साहब यही वजह थी कि हम अक्सर उससे मिला करते थे। और जिगना ने इस डील के बारे में अपने ससुर को कुछ नहीं बताया? क्या छुपा रहे? साहब आप ये पेपर देख लीजिए। और साहब जिगना ने मना किया था ये बात अपने ससुर को बताने के लिए, और इसके अलावा साहब मैं कुछ नहीं जानता। ये प्रफुल्ल कुछ ठीक नहीं लग रहा, पिनाकिन भी इसके लिए काम करता है, हो सकता है दोनों मिलकर औरतों को गायब कर रहे हो। पता करो केतकी का इनसे क्या कनेक्शन है। साहब आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी हो रही है। हाँ ये आप सही सोच रहे हो कि वो कॉल जिगना ने नहीं किया होगा, जरूर कोई साजिश कर रहा है साहब। क्या पता तुम भी इस साजिश में शामिल हो। क्या साहब, मैं यहाँ हूँ और आप सोच रहे हैं कि महसाना से मैं तुमने नहीं किया तो हो सकता है केतकी वो कॉल तुमने किसी और से करवाया हो। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है साहब। करमजली कहाँ है तू? अरे क्यों कोस रहे हो, जमीन मेरी थी सो मैंने बेच दी, थोड़े पैसे तुमको भिजवा दूंगी। चलो अच्छा रखती हूँ फोन। सर ये बंसी तो यही मान रहा है कि जिगना ही इसे कॉल कर रही है। पर पटेल हम नहीं मान सकते, पहला कॉल महसाना से किया गया, दूसरा आनंद से, लोकेशन शायद पर्पसली बदली गई। जिगना का गायब होना मीनाक्षी नीलिजा और हेतल के गायब होने के साथ जुड़ा। अब ये कॉलर इस केस को डायरेक्शन देगा।
आनंद और महसाना दोनों जगह का डंप डाटा स्टडी करो और पता करो कि जिगना के नंबर के साथ साथ वहाँ और कौन से नंबर कॉमन थे। ओके सर। दोनों एरियाज के डंप डाटा को चेक करने के साथ साथ हमने इन औरतों से जुड़े हर शख्स को फिर से खंगालना शुरू किया। जीवन, पिनाकिन, प्रफुल्ल, केतकी, बंसीलाल, हरी, फंटूष और डॉक्टर नरसिम्हा के अलावा 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। तभी डंप डाटा की छटनी में से एक कॉमन नंबर ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। सर, जिगना के नंबर के साथ जो कॉमन नंबर महसाना और आनंद में एक्टिव था उसका पता चल गया। वो नंबर है संजय सिसोदिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, संजय जिगना के कॉल के बाद एक दूसरे नंबर पर कॉल करता था जो फेक आईडी से लिया गया था और वो फेक आईडी का नंबर उधना में ही एक्टिव था। मतलब कोई उधना से ही संजय के साथ मिलकर ये खेल खेल रहा था। हाँ सर, और पिनाकिन की तरह ये संजय भी प्रफुल्ल के लिए काम करता था। पिनाकिन या प्रफुल्ल, क्या हो सकता है ये सब इसमें शामिल हो? सर बोलता हूँ सर, साहब मैं संजय को ठीक ठाक से जानता तक नहीं, वो प्रफुल्ल सेठ का खास आदमी सर। साहब, संजय बस एक मेरी जमीन का केयर टेकर है। थोड़े दिन पहले ही उसने मुझे बोला था कि उसको अपने गांव जाना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। गांव कौन सा उसका? भरोस साहब। संजय तुम्हारी कौन सी जमीन का केयर टेकर है? बादशाह, बदनाम, गुलाम, बेशरम, बेवफा, बेचारी। सर, पौधों के ऐसे नाम भला कोई क्यों रखेगा? ये जरूर किसी सिरफिरे का काम है। नहीं बेटे, ये नाम इन पौधों को नहीं दिए गए, ये नाम उन औरतों को दिए गए। खुदवा नीलिजा, मीनाक्षी, हेतल और जिगना के अलावा उस फॉर्म में तीन औरतों को और दफनाया गया था और उन औरतों की कब्र पर पौधे उगाकर उन्हें अजीब अजीब नाम देने वाला वह सरफिरा संजय नहीं था। यहाँ मेरी मुलाकात हेतल से हुई, जो इलीगल तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मेडिसिन को बाहर सप्लाई कर रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया था। सर प्लीज सर, सॉरी सर, सर मैं अब्रॉड जाकर के पढ़ना चाहती थी, बस इसीलिए लालच में आकर गलती हो गई मुझसे। आज एक गलती करी है, कल को और बड़ी बड़ी गलतियाँ करोगी? नहीं सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा कि महान बनकर आज तक मैंने क्या कर लिया, इसलिए मैंने अपने जमीर को पूरी तरह से मार दिया और हेतल से हाथ मिला लिया। सर, वो ऐसी औरतों को ढूंढ के लाती थी जो तकलीफ में होती थी। नीलजा की झूठी HIV रिपोर्ट भी मैंने ही बनाई थी। सुनो, अब तुम नीलजा को बोलना कि उसकी बीमारी ठीक हो सकती है और उसे लेके फार्म हाउस पे आ जाना। ओके। वो फार्म प्रफुल्ल का था सर, लेकिन उसका केयर टेकर संजय वो मेरा पुराना दोस्त था, हमने उसे भी पार्टनर बना लिया था। हेतल नीलजा को लेकर हमारे फार्म पे आई थी। नीलजा को लगा था कि वहाँ कोई बड़ा डॉक्टर उसका इलाज करेगा, लेकिन हमने सर इलाज करने के नाम पे उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया था। मीनाक्षी जब मुझसे हेल्प मांगने आई। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय। बाय। थैंक्स मीनाक्षी, आज अगर तुम नहीं होती तो
विम्मी अपनी मम्मी की यादों से कभी बाहर ही नहीं आ पाती। विम्मी तो अपनी माँ की यादों से बाहर आ गई है, पर क्या आप सुरेखा की यादों से बाहर आ पाए? विम्मी तो मुझे माँ भी मानने लगी है, पर क्या आप हम शादी कर सकते हैं? और उसके बाद मैं मीनाक्षी को गायब करके पिनाकिन को फंसाने का मौका ढूंढने लगा, और उस दिन वो मौका मिल गया सर। तुम्हारी होने वाली बीवी इधर आई हुई है और उसके पीछे पीछे पिनाकी भी, दोनों का बीच रास्ते में बहुत झगड़ा हुआ है और मीनाक्षी को मैंने अभी रिसेप्शन पे बिठाया हुआ है। मैंने हेतल से कहा कि इससे पहले वो डॉक्टर नरसिम्हा से मिले, वो उसे फार्म हाउस ले आए। आप ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आओ बैठो बैठो। लेकिन हेतल, वो तो तेरे लिए काम करती थी, उसको क्यों मारा? उसने फंटूज को टारगेट बनाया था, लेकिन फंटूज डेढ़ छाड़ा निकला, वो उल्टा उसको ही ब्लैकमेल करने लगा, तो वो मीनाक्षी के बाद फंटूज को मारना चाहती थी। मैंने उसको कुछ दिन रुकने के लिए कहा था। तुम मर्द हो इसलिए बोल रहे हो, मालूम है उसने इज्जत लूटी है मेरी। अरे तो लूटने देना, थोड़े दिन सो जा उसके साथ, बाद में हम लोग देख लेंगे। तुमने समझ के रखा है मुझे? आओ बोल। जिगना के पीछे तो पहले से पड़ा था। हाँ सर। अरे जिगना कहाँ जा रही हो? आओ हम छोड़ देते तुमको। जी। छोड़ो मुझे। जिगना के मरने के बाद आप बहुत हाथ पैर मार रहे थे, तो मैंने ही जिगना का फोन संजय को देकर भगा दिया, और मेरे ही कहने पर संजय की बीवी जिगना बनकर बंसीलाल को फोन करती थी। मैं शाना और आनंद से संजय मुझे अपडेट दे रहा था कि उसने अपनी बीवी से फोन करवा दिया है। मुझे नहीं लगा था कि आप लोग कभी उस फार्म हाउस तक पहुंच पाएंगे। लेकिन तूने सबको मारा क्यों? मैं तो एक समाज सेवक था सर, जियो और जीने दो यही सीखा था मैंने, पर मेरी बीवी बोलती थी कि मेरे इन विचारों का रद्दी के भाव भी मोल नहीं मिले। तुम्हारी समाज सेवा से ना हमारा पेट नहीं भरने वाला, और ये जो भी कुछ हमारे पास है ना वो मैं अपने मायके से लाई हूँ। तुमने तो सगाई पे भी अंगूठी चांदी की पहनाई थी। सुरेखा तुम मुझे हमेशा ना यही ताने मत दिया करो। अरे क्यों ना मारूं? है क्या तुम्हारे पास? मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ, एक शब्द भी और नहीं सुन सकता मैं। अरे क्यों चुप हो जाओ, औकात क्या है तुम्हारी? मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ सुरेखा। उसकी चिक चिक से तंग आकर एक दिन गुस्से में मैंने उसे मार दिया। एक समाज सेवक खूनी बन गया था सर, इसलिए क्योंकि वो अपनी बीवी के लिए सोना नहीं खरीद पाया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो उसको बोलना कि गहने लेके आ जाए। मीनाक्षी जब मुझसे हेल्प मांगने आई तो मैंने पता किया कि उसके नाम पे काफी जायदाद है। मैं उसे अपने घर में शरण देकर उसकी जायदाद हड़पना चाहता था। जिगना मेरे एनजीओ में आई थी तो प्रफुल्ल ने कहा कि अगर मैं उसे जिगना की जमीन बिकवा दूं तो वो डील का 2% मुझे देगा, इसलिए मैं जिगना का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। आपने सच में मेरी बेटी को अनाथ कर दिया। तुम्हारी बेटी को अनाथ हमने नहीं किया, उसको अनाथ बनाया तुमने खुद अपनी हरकतों से। मुझे माफ कर दे बेटा, उन्होंने तुम्हारी दोनों मम्मियों को छीन लिया। पापा, आप भी तो कहते थे ना जियो और जीने दो, मेरी दोनों मम्मी दूर चले गए और आप भी मुझसे दूर जा रहे हो। एक समाज सेवक से पेशेवर मुजरिम बनने तक जीवन सोलंकी के इस बदलाव को उसके आसपास के मौजूद लोगों में से किसी ने कभी महसूस ही नहीं किया, लेकिन जब भी हम इस तरह के लोगों से मिलते हैं तो उनके हाव भाव में, उनकी बातों में किसी न किसी जुर्म की दस्तक जरूर छुपी होती है, लेकिन उस दस्तक की तरफ कभी गौर ही नहीं किया जाता। रोजाना कई जाने अनजाने लोगों से हमारा परिचय होता है, लेकिन किससे कितना परिचय बढ़ाया जाए, किससे कितनी दोस्ती बढ़ाई जाए, किससे कितना सुख दुख बांटा जाए, इसे लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर अच्छी छवि वाले लोगों का असली परिचय उतना ही चौंकाने वाला होता है।
अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।